नमस्कार, मेरा नाम संजीव पांडे है और मैं बस अब जस्ट सुबह सुबह ही दिलवाले फिल्म देख के आया हूँ। और मैं बस छोटी छोटी बातें हैं जो फिल्म के बारे में मैं बस थोड़ा आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ, इसके रिव्यू कि कैसी लगी फिल्म, आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। मैं इतना एक प्रोफेशनल रिव्यूअर नहीं हूँ, बट जो मुझे लगा मैं जस्ट शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। जो फिल्म है वो बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत फैंटास्टिक है और बहुत अच्छा लगा है। इसके सारे लोकेशंस, इसके सारे एक्शन सीन्स, रोमांटिक सीन्स, एवरीथिंग इज बहुत अच्छे से फिल्माया गया है। रोहित शेट्टी साहब, हैट्स ऑफ टू यू, कितनी अच्छी डायरेक्शन, हर चीज़ की बारीकियों को आपने इतने अच्छे से दर्शाया है। स्टार्टिंग करते हैं गानों के साथ। गाने इसके इतने बेहतरीन हैं, गेरुआ, जन्म जन्म, और इसका जो मनमा इमोशन जागे, ये भी बहुत शानदार गाना है। और मैं यही बस रिकमेंड करूंगा कि ये फिल्म को देखने ज़रूर जाएं और सभी फैमिली को भी लेके जाएं। ऐसा मत सोचिए कि यहाँ इसमें सिर्फ गाड़ियाँ उड़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री दिखाई गई है शाहरुख खान और काजोल के बीच में। सिर्फ लव को भी नहीं दिखाया गया, नफरत को भी दिखाया गया। उस नफरत में कैसे कैसे प्यार करना है, कैसे प्यार को बढ़ाना है, कैसे उसी नफरत में ही प्यार को पनपाना है, उसी को ही इसमें दर्शाया गया है। और वरुण धवन और कृति शेनॉय ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। जॉनी लीवर भी बहुत अच्छे कॉमेडी रोल में नजर आए हैं। बोमन ईरानी साहब भी बहुत अच्छे लग रहे हैं इसमें। ओवरऑल द गुड इज फिल्म इज वेरी एक्सीलेंट, वेरी गुड। प्लीज गो एंड वॉच दिलवाले। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।